हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम MSc सेमेस्टर थर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। सेमेस्टर थर्ड में आज हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के टॉपिक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन के साथ साथ उस थ्योरम के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखें, डेफिनेशन देखें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की। ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, t इज सेड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट, सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कह सकते हो या ऐसे बोल सकते हो कि टू सेटिस्फाई द फर्स्ट एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी इफ़ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल लोकल बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। फर्स्ट काउंटेबल जो स्पेस होता है उसमें क्या टर्म काम में आती है आपकी, लोकल बेस। और जबकि सेकंड काउंटेबल स्पेस में क्या टर्म काम में आएगी, बेस, सिर्फ बेस की बात करेंगे या लोकल बेस की बात करेंगे, क्योंकि लोकल बेस निकालना मैंने आपको पिछला जो चैप्टर था बेस वाला उसमें बताया था। बेस को बेस निकालना भी बताया था, लोकल बेस भी कैसे निकालते हैं एक पॉइंट का, वो भी मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाया। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होगी, डेफिनेशन देखें। ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, t is said to be first countable space if there exists a countable local base at each point of x. तो there exists a countable local base at each point of x, x के प्रत्येक पॉइंट पर। such a topological space is said to be first countable space कह दो या first axioms space। इसके बाद जो first countable space है उससे related theorem देखें आप। तो एवरी सब स्पेस ऑफ ए फर्स्ट एग्जाम्स स्पेस इज ए फर्स्ट एग्जाम्स स्पेस, फर्स्ट एग्जाम्प स्पेस। हैंस द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ए फर्स्ट एग्जाम्प स्पेस इज ए हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। तो जो फर्स्ट एग्जाम्स स्पेस है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। तो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया था, अगर कोई स्पेस दे रखा है जो उस सेटिस्फाई को, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है, तो उस स्पेस का जैसे x, t को टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका सब स्पेस क्या है, y, t है। तो वो भी जो x, t टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है वो जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है उसका सब स्पेस भी उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। जब तो क्या कहेंगे हम प्रॉपर्टी को, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। चूंकि यहाँ क्या कहा है, एवरी सब स्पेस ऑफ फर्स्ट एग्जाम्प स्पेस इज ए फर्स्ट एग्जाम्स स्पेस, तो फर्स्ट एग्जाम्स स्पेस होगा उसका सब स्पेस क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम स्पेस होगा। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। तो प्रूफ देखें, लेट x, t वी ए फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y, t वी एनी सब स्पेस ऑफ x, t का क्या है, y, t कोई सब स्पेस है। देन टू प्रूव दैट, देन प्रूव करेंगे प्रूव दैट y, t इज फर्स्ट काउंटेबल। y, t क्या होगा, फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो लेट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल y, देन स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल x, सिंस y सबसेट ऑफ क्या दे रखा है, x। y क्या है, भाई क्या है, सबसेट है किसका, x का। तो स्मॉल y बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल y है। तो देन स्मॉल y बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल x होगा, क्योंकि सिंस दे रखा है कि y सबसेट है x का। सिंस स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल x एंड x, t इज फर्स्ट काउंटेबल, तो देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल t लोकल बेस by, काउंटेबल t लोकल बेस by फॉर स्मॉल y। कंसिडर द कलेक्शन b*y=2, बी इंटर कलेक्शन लिखेंगे एक सेट के अंदर लिखते हैं कलेक्शन, b इंटरसेक्शन y सच दैट कैपिटल b बिलोंग्स टू बी ऑफ y, लोकल बेस ऑफ, लोकल बेस क्या है, लोकल बेस by फॉर y के लिए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, b ऑफ y। तो नाउ वी शैल सो दैट v*y फॉर्म काउंटेबल t* लोकल बेस एट y, t* लोकल बेस एट y। तो लेट n*v(t*nbd) ऑफ y, देन देयर एग्जिस्ट ए t(nbd)n ऑफ y सच दैट n*=n(y), n*=, क्या होगा, n*=y। तो नाउ n*tnbd ऑफ y एंड by इज ए लोकल बेस, b ऑफ y इज लोकल बेस ऑफ y, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कैपिटल V बिलोंग्स टू B ऑफ y सच दैट B सबसेट ऑफ n। तो y द डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन से ली गया, लोकल बेस की डेफिनेशन से।
बी सबसेट ऑफ एन, तो इम्प्लाई डेट बी, अब इसका क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें किसके साथ, वाई के साथ, तो इम्प्लाई डेट बी इंटरसेक्शन वाई सबसेट ऑफ एन इंटरसेक्शन वाई, तो बी इंटरसेक्शन वाई सबसेट ऑफ एन इंटरसेक्शन वाई को क्या मान लिया हमने, एन स्टार मान रखा है, एन इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या है, एन स्टार, तो बी इंटरसेक्शन वाई सबसेट ऑफ एन स्टार, तो फर्दर कैपिटल बी बिलोंग्स टू बी ऑफ वाई, इम्प्लाई डेट बी इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, बी स्टार ऑफ वाई, तो थस फॉर ईच टी स्टार एन बी डी एन स्टार ऑफ वाई, टी स्टार के एन बी डी क्या माने, एन स्टार ऑफ वाई, देयर एग्जिस्ट बी इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू बी स्टार ऑफ वाई, तो सच दैट बी सबसेट ऑफ वाई, बी सबसेट ऑफ क्या दे रखा है, बी सबसेट ऑफ वाई, बी जो बी है इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन वाई है वो सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ वाई और वाई सबसेट ऑफ एन स्टार, तो हैंस बी स्टार ऑफ वाई, बी स्टार ऑफ बी इंटरसेक्शन वाई, सॉरी बी बी इंटरसेक्शन वाई सबसेट ऑफ क्या हो गया, एन स्टार हो गया, चूंकि थस फॉर ईच टी स्टार एन बी डी के, टी स्टार जो टोपोलॉजी है उसके लिए एन बी डी क्या दे रखा है, एन स्टार ऑफ वाई, तो देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट बी इंटरसेक्शन बाई बिलोंग्स टू बी स्टार ऑफ बाई सच दैट बी इंटरसेक्शन बाई, ये सबसेट का साइन नहीं है, किसका साइन है, इंटरसेक्शन का, तो बी इंटरसेक्शन बाई सबसेट ऑफ एन स्टार, तो बी हेंस बी स्टार ऑफ वाई इज काउंटेबल टी स्टार लोकल वेस एट बाई, तो इम्प्लाई डेट बाई कोमा टी स्टार इज ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, तो बाई कोमा टी स्टार क्या हो गया, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो गया, तो यही आपको थ्योरम क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, एक्स कॉमा टी हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस लेके चले तो वाई कॉमा टी स्टार उसका सब स्पेस था, तो उसको भी हमने क्या शो कर दिया, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, तो जो जो ये प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी हो गई, जो ये हेरिडेटरी प्रॉपर्टी हो गई, तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सेकेंड काउंटेबल स्पेस, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज सेड टू बी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टी, इफ देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टी, और उसमें क्या था काउंटेबल, इफ इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल लोकल बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, और यहाँ क्या है इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टी, तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी सेट टू बी सेटिस्फाई सेकंड एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टी, तो द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड सेकंड काउंटेबल स्पेस या सेकंड एग्जाम्स स्पेस, सेम है। अब इसके बाद इस जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है उससे रिलेटेड थ्योरम देखें, तो इसमें दो तीन थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो पहली थ्योरम देखें, एवरी ओपन कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, एवरी ओपन कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए सेकंड काउंटेबल स्पेस इज क्या है, कंटिन्यूस इमेज है सेकंड काउंटेबल स्पेस की, वो भी क्या है सेकंड काउंटेबल स्पेस, ये आपको शो करना, तो लेट एक्स कॉमा टी एंड वाई, कंटिन्यूस की बात हो रही है तो दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखें, लेट एक्स कॉमा टी एंड वाई कॉमा वी ए टू टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एफ वी ए कंटिन्यूस एंड ओपन मैप फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, देन वाई विल बी ओपन कंटिन्यूस इमेज ऑफ एक्स, इफ एक्स कॉमा टी सेकंड काउंटेबल स्पेस देन टू प्रूव दैट, तो इसकी इमेज है कंटिन्यूस इमेज क्या है बाई कोमा बी इज सेकंड काउंटेबल, एक्स कॉमा टी काउंट सेकंड काउंटेबल स्पेस दे रखा है तो बाई कोमा बी को हमने सेकंड काउंटेबल स्पेस शो करना है, सिंस एक्स कॉमा टी इज सेकंड काउंटेबल स्पेस देयरफॉर बी इक्वल टू, अब कलेक्शन लेंगे एक सेट के रूप में लिखेंगे वी एन सच डेट एन बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट सबसेट ऑफ एन इज ए काउंटेबल बेस फॉर टी, तो नाउ वी शैल शो दैट कलेक्शन, दैट कलेक्शन इमेज क्या होगी इसकी एफ ओ वी एन, एफ ओ पैक्स का जो एफ ओ पैक्स आएगा कोई पॉइंट लें वन पॉइंट लें तो उसका क्या लें उसकी इमेज क्या आएगी फंक्शन के रूप में एफ ओ एक्स इक्वल टू जो इमेज आएगी, तो एफ ओ वी एन सच दैट बी एन बिलोंग्स टू बी इज कंटिन्यूस बेस फॉर टोपोलॉजिकल बी ऑन बाई, ये आपको क्या करना है शो करना है, सिंस ईच बी एन इज टी ओपन सेट एंड एफ इज ओपन मैप, तो देयरफॉर ईच एफ ओ बी एन इज बी ओपन सेट, तो देयरफॉर ईच एफ ओ बी एन क्या होगा इज बी ओपन सेट, तो सिंस ईच बी एन इज टी ओपन सेट एंड एफ इज ओपन मैप, तो ईच एफ ओ बी एन इज बी ओपन सेट, तो हेंस एफ ओ बी एन इक्वल टू एफ ओ बी एन सच डेट बी एन बिलोंग्स टू बी इज ए सबसेट ऑफ बी, तो आल्सो दिस सेट इज काउंटेबल, आल्सो दिस सेट इज क्या दे रखा है काउंटेबल दे रखा है, दिस सेट इज काउंटेबल सिंस बी इज काउंटेबल, दिस सेट इज काउंटेबल सिंस
बीच क्या है काउंटेबल है, तो लेट जी बी एनी बी ओपन सेट एंड जी ओपन सेट इन जी बी एनी बी ओपन सेट देन जी इज ओपन सेट इन बाई, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स जी जो इसकी इनवर्स इमेज है एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स, सिंस किसकी बार डेफिनेशन लगेंगे एफ इज कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस का जो आपका चैप्टर है कंटिन्यूस एंड होमोमॉर्फिज्म उस वाले चैप्टर में एक आपके थ्योरम है वो तो उसकी इमेज है वो क्या हुई ओपन एक्स, अगर फंक्शन जी क्या दे रखा है ओपन सेट इन बाई में दे रखा है तो उसकी इमेज है वो ओपन होगी इन एक्स, एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स सिंस एफ इज कंटिन्यूस, एफ चूंकि एफ क्या दे रखा है आपको कंटिन्यूस दे रखा है तो अगर जी ओपन सेट है इन वाई है तो उसकी इनवर्स की इमेज है उसकी इमेज है एफ इनवर्स इनवर्स इमेज सॉरी उसकी इनवर्स इमेज एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स सिंस एफ इज कंटिन्यूस दे रखा है इससे लिख सकते हैं आप, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स जी इक्वल टू यूनियन ऑफ चूँकि बी इज क्या दे रखा है बेस फॉर एक्स सिंस बी यूनियन ऑफ बी एन आई इक्वल टू बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो बी एन आई सच डेट बी एन आई बिलोंग्स टू बी बी आई एन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये क्या लिख दिया इसको सेट के रूप में कलेक्शन लिख दिया और कलेक्शन का क्या ले लिया यूनियन ले लिया ओपन सेट का, ओपन सेट के रूप में लिख सकते हो बेस को, बेस को ओपन सेट के रूप में लिख सकते हो आपने लिखा था एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ बी सच डेट कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो यहाँ यूनियन के रूप में लिख दिया ओपन इज ओपन इन एक्स तो एफ इनवर्स जी इक्वल टू यूनियन ऑफ बी एन आई सच डेट बी एन आई बिलोंग्स टू बी आई एन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट सिंस बी इज बेस फॉर एक्स, तो देयर फोर जी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ यूनियन ऑफ ऑफ कलेक्शन के रूप में लिख दिया सेट कर वी एन आई सच डेट बी एन आई बिलोंग्स टू बी कॉमा एन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो जी इक्वल टू यूनियन ऑफ अब एफ को अंदर ले जाएंगे तो यूनियन ऑफ एफ ऑफ वी एन आई सच डेट वी एन आई बिलोंग्स टू वी कॉमा एन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, थस एवरी बी ओपन सेट जी थस एवरी जो बी ओपन सेट है जी इन वाई इज द इज यूनियन ऑफ सब कलेक्शन ऑफ मेम्बर ऑफ एफ ऑफ वी एन सच डेट वी एन बिलोंग्स टू बी, तो हैंस एफ ऑफ बी इज काउंटेबल बेस फॉर वाई, हैंस एफ ऑफ बी इज क्या हो गया काउंटेबल बेस फॉर वाई, तो इम्प्लाई डेट वाई कोमा वी तो एफ ऑफ बी इज क्या हो गया काउंटेबल बेस फॉर वाई, एफ ऑफ बी इज क्या हो गया काउंटेबल बेस फॉर वाई, एफ ऑफ बी इज काउंटेबल बेस फॉर वाई, इससे पहले हमने क्या सिद्ध किया था एफ ऑफ बी इज सबसेट ऑफ बी, एफ ऑफ बी इज सबसेट ऑफ बी तो एफ ऑफ बी इज काउंटेबल बेस फॉर वाई, तो इम्प्लाई डेट वाई कोमा बी इज सेकेंड काउंटेबल स्पेस, एफ वाई कोमा बी क्या हो गया सेकेंड काउंटेबल स्पेस, तो आपने जो एक्स कोमा टी है वो फर्स्ट काउंट क्या लेके चले थे सेकेंड काउंटेबल स्पेस लेके चले तो उसकी जो कंटिन्यूस इमेज है वाई कोमा बी भी क्या होगी सेकेंड काउंटेबल स्पेस होगी वो आपने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने सबसे पहले फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन के बारे में बताया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम थी वो आपको थ्योरम कराई, उसके बाद मैंने सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन के बारे में बताया, उसके बाद उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम थी कि जो फर्स्ट काउंटेबल एवरी ओपन कंटिन्यूस इमेज ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, वो थ्योरम मैंने आपको प्रूफ की। तो जब भी आपको टाइम मिले जो भी मैंने आज पढ़ाया दोनों थ्योरम पढ़ाई है दो डेफिनेशन पढ़ाई है दोनों को ध्यान से पढ़ें जिससे आपकी बुक में इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम दे रखी हो तथा फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल से रिलेटेड जो भी एग्जांपल दे रखे हैं उन्हें करने में आपको परेशानी नहीं हो। ओके स्टूडेंट।